बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली हसन, आई हैव डन बीएस ऑनर्स मैथमेटिक्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रेड टेंथ की बुक का चैप्टर नंबर 5, यानी सेट्स के बारे में। आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स में यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है, सेट के अंदर डिफरेंसेस कैसे लिया जा सकता है उनमें, और सेट होता क्या, सबसे पहले बेसिकली ये पढ़ेंगे। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आप लोग ग्रेड 8 की बुक में सेट के बारे में पढ़ के आ चुके होंगे। सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स या वैल्यूज को कलेक्ट किया जाए और उनको वेल डिफाइंड तरीके से रखा जाए, यानी तरतीब के साथ रखा जाए, और डिस्टिंक्ट हो, यानी कि सेट में एक से ज्यादा वैल्यूज रिपीट ना हो रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब सेट में यूनियन होता है। यूनियन का मतलब है कि अगर आपको कोई भी दोस्त या दो से ज्यादा सेट्स गिवन है उनको आपने कंबाइन करके लिखना है एक सेट में, उनका यूनियन कहलाता है। इंटरसेक्शन, सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो उसका इंटरसेक्शन होगा। डिफरेंस कैसे लेते हैं, कि ऐसे एलिमेंट्स आंसर में लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो। और दूसरी चीज आती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि अगर आपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास सेट यू गिवन है 1, 2, 3 up to 10 एंड सेट ए 2, 4, 6, 8 और 10। आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कैसे लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो सबसे पहले सेट यू लिखेंगे हम 1, 2, 3 up to 10 -2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिफरेंस कैसे लेते हैं सेट्स का, कि जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट आंसर में लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद हो लेकिन सेकंड सेट में मौजूद ना हो। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखें 1 फर्स्ट सेट में मौजूद है लेकिन सेकंड सेट में मौजूद नहीं है तो 1 आएगा, 2 है 2 दोनों में मौजूद है इसलिए 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 5, 7 एंड 9, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कि आपको कोई यूनिवर्सल सेट गिवन होगा उसमें से उस सेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगेन बता दूं कि डिफरेंस कैसे लेते हैं, यानी माइनस कैसे करते हैं, सेट के ऐसे एलिमेंट लिखने होते हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद हो लेकिन सेकंड सेट में मौजूद ना हो, तो उनको जो उनका जो आंसर होगा वो उसका डिफरेंस होगा। क्लियर होगी बात। एक्सरसाइज पे चलते हैं। बेसिक चीजें हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यूनियन में दोनों सेट्स के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको कंबाइन करके लिख देंगे, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन वैल्यूज होंगी उनको लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक्स यूनियन वाई, सेट एक्स क्या है 1, 4, 7, 9 यूनियन 2, 4, 5 एंड 9, ठीक है। तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा 1, 2, 4, 5, 7 एंड 9, ये आपके पास क्या आ गया, एक्स यूनियन वाई, ठीक है। इसी तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा हमारे पास 1, 4, 7, 9 इंटरसेक्शन 2, 4, 5 और 9। अच्छा अब देखिए, इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखनी होती है, मैंने बोला था कि कॉमन वैल्यूज लिखनी होती है जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज हो। अब दोनों सेट्स में कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कॉमन है, दोनों सेट्स में मौजूद है, 1 नहीं है, 4 है, यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 4, देन उसके बाद 7 नहीं है और 9 है, 4 और 9, ये आपका क्या आ गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इन्हीं दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्शन कहलाएंगे। इस यूनियन के, इंटरसेक्शन के और कॉम्प्लीमेंट के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो जो आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है एक्सरसाइज को देखते हुए, ठीक है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स इज इक्वल 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 से लेके 20 तक इवन नंबर है, और वाई जो है वो है 4, 8, 12, 20 up to 24, मीन्स के 4 का टेबल चल, ये 4 का टेबल है और ऊपर 2 का टेबल। क्लियर होगी बात। आपने क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई, यानी x में से y को क्या करना है, माइनस करना है, x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है 2, 4, 6 up to 20 माइनस y की वैल्यूज क्या है
4, 8, 12 up to 24. अच्छा, अब एक चीज का आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि सीक्वेंस चल के अब कौन कौन सा रहा, और वैल्यूज आपने जहन में रखनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू के बाद कौन सी आनी है, सेकंड के बाद कौन सी और थर्ड के बाद कौन सी वैल्यू आएगी। तो यहां पे आप देखें, टू है इस फर्स्ट सेट में मौजूद है। माइनस कैसे फाइंड करते हैं कि जो फर्स्ट सेट में मौजूद हो वैल्यूज और सेकंड सेट में मौजूद ना हो, हमने वो वाली वैल्यूज लिखनी है। अब देखिए, टू फर्स्ट सेट में मौजूद है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, तो टू लिखेंगे। फोर मौजूद है दोनों सेट्स में तो फोर नहीं आएगा। सिक्स फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है। अब इधर एट आएगा, एट दोनों में मौजूद है लेकिन यहां पर टेन है लेकिन टेन इसमें मौजूद नहीं है। फोर्टीन उसके बाद आएगा एट, देन दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया x माइनस वाई, 2, 6, 10, 14 और 18। अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो फिर भी देख सकते हैं आप क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 minus 4, 8, 12, 16, 20 and 24। ठीक है, अब यहां पे देखें मैंने जो वैल्यूज ओपन करके लिखी है, आप देख सकते हैं कि 2 आया उसमें, 4 नहीं आ सकता था, 4 दोनों में मौजूद था, 6 आ गया उसके बाद 8 भी नहीं आ सकता था, 10 आया, 12 भी नहीं आ सकता था, 14 आया, 16 भी नहीं आ सकता था, 18 आया और 20 भी नहीं आ सकता था। अच्छा, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो जितने फर्स्ट सेट में एलिमेंट है बस आपने वहां तक उसको लेके चलना है। अब देखें सेकंड सेट में 24 भी है, तो आपने 24 को नहीं देखना कि 24 सेकंड सेट में मौजूद है लेकिन फर्स्ट सेट में तो है नहीं, तो इसको लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। सिर्फ आपने कंसंट्रेशन आपकी फर्स्ट सेट पे होनी चाहिए कि फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं आपने सिर्फ उन्हीं को देखना है, अगर वो फुलफिल हो गए हैं तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक चीजें सीखी, यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस कैसे लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड बहुत सारी होती हैं। ठीक है, उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अली हसन को, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।